अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। कानूनी टीवी के ऊपर आपको हर किस्म के जनाब कानूनी मसले का हल मिलता है। और मैं आपको अक्सर कहता हूं कि आपको कोई भी कानूनी मसले का हल हो, कोई भी मसला हो, आप हमें फोन करें। शाम को कोशिश करें, शाम को फोन करें, 6 से 8 बजे तक तो मैं फ्री होता हूं, तो आपको हम कानूनी मशवरे जो है वो देते हैं। उसमें फैमिली का मसला हो, यानी कि डाइवोर्स का, तलाक का, निकाह का, कोई फैमिली का बच्चों के खर्चे वगैरह का वो हो, उसमें चेक डिसऑनर का केस हो, इसकी अलग-अलग वीडियो भी मैंने बना के रखी हुई है, और या फिर आपकी प्रॉपर्टी का मसला हो, नाजायज कब्जे का मसला हो, उसका हमारे पास एक बहुत जबरदस्त हल है कि जो नाजायज कब्जा होता है, ठीक है ना, एक जायज कब्जा होता है और एक नाजायज कब्जा होता है, वो उस हवाले से आप हमसे राबता कायम करें। फिर जनाब मंशियात के केस मैंने बड़े किए हैं, मंशियात के ड्रग केस जिसे कहते हैं, कोई हीरोइन के, चरस के, वो वाले केस मैं जाती तौर पे करता हूँ। फिर हमारी पूरी टीम मौजूद है, पूरी टीम जो हम ये केस करते हैं ना, तो मेरा जो मुनसिफ ला कंपनी है, MLC मुनसिफ ला कंपनी, हम पूरे पाकिस्तान में जो है वो ये केस करते हैं। आपका ताल्लुक किसी भी पाकिस्तान के किसी भी कोने से है, आप हमारे साथ रब्ता करें। MLC में वो हमारे साथ जो हमारी कंपनी के वकला हैं वो हम काम करते हैं, और उसको हम अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ है, मेरा टॉपिक है ना, जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, हर रिटायर्ड पाकिस्तानी का मसला है ये। हर पाकिस्तानी जो मुलाजम रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में, उसका ये मसला है, और वो हमसे राबता कायम करके तो ये मसला वो कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा, ये मसला क्या है, मसला क्या है आपको ये मैं बताऊं। मसला ये है कि जो भी पाकिस्तानी रिटायर हुए हैं ना, इनका एक होता है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, GLI भी उसे कहते हैं। ये आपका हर मुलाजम का खुद ब खुद कटता है, जिसका मर्जी है या नहीं है, ये खुद ब खुद कट जाता है आपका ये, ठीक है जी। तो जब खुद ब खुद कटता है तो वो जब आप रिटायर होते हैं ना, तो रिटायर होने से पहले अगर कोई फौत हो जाता है तो उसके तो घर वालों को मिलता है, लेकिन अगर कोई रिटायर हो जाए तो उसको वो नहीं मिलता और गवर्नमेंट वो हजम कर लेती है। इस सिलसिले में हमने केस किए हैं, पहले सिंध में केस किए हैं, हमने बलूचिस्तान में केस किए हैं, और हमने जो है वो केस किए हैं KPK में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी कामयाबी मिली है, अब KPK में भी मिलना शुरू हो गया है, बलूचिस्तान में भी मिलना शुरू हो गया है, सिंध का प्रोसेस चल रहा है, वहां भी मिलना शुरू। तो ये जो तीन सूबे हैं ना, इनके जो सूबाई मुलाजमीन है, सूबाई एक मरकजी मुलाजम होता है, एक सूबाई, उन सूबाई को केस करने की जरूरत नहीं है तीन लोगों को, ठीक है। हाँ, जो फेडरल के हैं पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के, वो ये केस कर सकते हैं, उनका केस अभी पेंडिंग पड़ा है। और जो पंजाब के हैं, सूबाई भी और फेडरल भी, वो केस भी कर सकते हैं, उनका भी केस अभी पेंडिंग पड़ा है। ये केस, हजारों केस हमने शुरू किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुनसिफ ला कंपनी ने ये काम शुरू किया है और हमको बड़ी ये कामयाबी मिली है उधर, और अब यहाँ भी इंशाल्लाह ये हमने जो केस किए हैं, काफी लोगों ने हमसे राबता किया है, उनके केस पेंडिंग पड़े हैं। हम खसूसी तौर पे जज साहबान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खास तौर पे जो चीफ जस्टिस हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब ये केस लगाएं, ये बुजुर्गों के केस है, रिटायर्ड मुलाजमीन के केस है, उनकी अपनी रकम है जो आपने उनको देनी है, ठीक है। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं, जब भी लगेगा ये टीवी पे भी आएगा, अखबारों में भी आएगा, और मेरे इस चैनल पे भी आएगा, कानूनी टीवी पे, ये आपने जरूर देखते रहना है कानूनी टीवी का चैनल, तो ये लगने वाला है, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जो ही लगेगा तो हम आपको ये बता देंगे, ठीक है। इसमें कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, इसमें पाकिस्तान के सारे डिपार्टमेंट आते हैं, जिस जो आप पेंशन लेते हैं, जो पेंशन लेते हैं ना लोग, वो सारे इसमें शामिल है। आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है कि जी मेरा केस फाइल करता है या नहीं, पेंशन लेने वाले का सबका केस इसमें आता है, वो केस कर सकते हैं। और इसका तरीका क्या है,
हमें एक शनाख्ती कार्ड चाहिए और एक आपका रिटायरमेंट का लेटर चाहिए। अगर रिटायरमेंट का लेटर नहीं है तो अब वो जो पेंशन बुक है ना उसका हमें वो पेज चाहिए जिसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है। वो आप हमें व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर पे 03004725752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो मैं अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील हूँ। आपका केस बिल्कुल एहतियात के साथ हम कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं और हमें इंशाल्लाह 90% उम्मीद है कि ये केस हमारे हक में होगा 90%। ठीक है, इसमें सारे आ जाते हैं, आर्मी के लोग आ जाते हैं, बैंक आ जाते हैं, सारे डिपार्टमेंट में एक एक का नाम नहीं ले सकता। ठीक, ये आ जाते हैं। तरीका क्या है, अगर आपने डाक के जरिए भेजना है तो मेरा जो एड्रेस है वो मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 1 टर्नर रोड मुनसिफ बिल्डिंग लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। ठीक है, ये वाला एड्रेस है, इस पे डाक के जरिए भी आप कागज भेज सकते हैं लेकिन आपको पहले फोन जरूर करना पड़ेगा। फोन करेंगे तो हम आपको ओके करेंगे कि जनाब ये आपका केस बनता है नहीं बनता, ये हम फोन पे आपको बताएंगे। इसकी थोड़ी सी फीस है वो भी आपको हम बता देंगे। जो नए लोग रिटायर हो रहे हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जो भी नए लोग रिटायर हो रहे हैं रोजाना ही होते हैं आपको पता ही है, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। उनका केस भी मेन केस के साथ अटैच हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, और इसमें काफी अच्छी उम्मीद है। ये पहली दफा आपको अगर ये पैसे मिलेंगे ना तो आपको ये पहली दफा मिलेंगे पैसे, पहले ये नहीं मिलते थे, कभी भी नहीं मिलते थे। बस सिर्फ उसी को मिलते हैं जो सर्विस के दौरान फौत हो जाए, यानी इसके लिए मरना पड़ता है। या मैं मजाक में जज को भी मैंने कहा था कि सर जी ये पैसे लेने के लिए हमें मरना पड़ेगा। ठीक, यानी इतना जालमाना ये कानून है। तो इसमें ओवरसीज वाले लोग हैं वो भी आप रब्ता करें, वो भी एलिजिबल है। अच्छा, इसमें बड़े सवाल है, वो कहते कोई कहते जी मैंने 20 साल सर्विस की है या 10 साल की है। आपने जितने साल सर्विस की है उतने साल का आप क्लेम कर सकते हैं। आप चाहे सर्विस से डिसमिस हुए हैं, रिटायर हुए हैं, दरमियान में छोड़ के चले गए हैं, जितना अरसा आपने सर्विस की है उस अरसे के आपको पैसे मिलेंगे। ठीक, ये सवाल है। दूसरा सवाल पूछा जाता है जी कोई फौत हो जाए तो, फिर फौत हो जाए तो जो उसकी कोई पेंशन ले रहा है वो केस जो है ना वो कर सकता है डेथ सर्टिफिकेट भेज के। वो अपने उसकी बेटी बीवी बहन भाई जो भी केस उसकी पेंशन ले रहा है ना वो ये केस कर सकता है। यानी कोई फौत हो गया तो फिर भी आप केस कर सकते हैं, कोई बाहर चले गए हैं तो फिर भी आप केस कर सकते हैं मुल्क से बाहर, और अगर आप जिंदा हैं तो फिर भी आप केस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पेंडिंग केस पड़े हैं वो उनको हम ये बता रहे हैं कि हम आपका केस ये लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी केस जो है वो ही जान नहीं छोड़ते ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में। पहले ये केस हमारा सुप्रीम कोर्ट तक जब जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस थे हमारे हक में हुआ था, केपीके वालों का। ठीक है, केपीके वालों का हुआ था हमारे हक में, लेकिन अब उन्होंने फिर जो है वो एक सेकंड रिव्यू पिटीशन दायर की हुई है। लेकिन वहां पे अब मिल रहा है, वहां पे मिल रहा है, वहां पे कैसे मिल रहा है, जो 14 के बाद रिटायर हुए हैं ना उनको मिल रहा है। और बलूचिस्तान में जो जब भी रिटायर हुआ है कोई उसमें टाइम पीरियड है ही नहीं, उसको भी मिल रहा है। तो ये बड़ी डिटेल वाली वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है क्योंकि सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर जी ये केस कब लगेगा, क्यों क्यों नहीं लग रहा। तो इसमें नए लोग शामिल हो सकते हैं, वो हमें टेलीफोन करें और अपना नाम अपना इसमें शामिल करवाएं, क्योंकि ये नहीं होता कि आप आराम से बैठे रहें और केस हो जाए। रिट पिटीशन हमने हाई कोर्ट में करनी होती है, रिट में उनको ही मिलता है जब ये केस जो हम जीतते हैं, सबके लिए नहीं होता। हाँ, अगर हाई कोर्ट सबके लिए लिख दे तो फिर उसमें सब आ जाएंगे, वरना उनको ही मिलेगा जो केस करेंगे। रिट पिटीशन में हमेशा ये होता है, या फिर ये होता है कानून साजी, जो अगर कानून साजी हो गई
तो वो भी सबके लिए वो आ जाएगी, उसमें सारे शामिल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए कितना टाइम लगता है, ये जब शहबाज शरीफ वजीर आला थे तब से ये कानून साजी हो रही है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुई, अभी तक फाइनल नहीं हुई। तो इस हवाले से ये मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें पता चले। आप जिन लोग जो लोग वीडियो सुन रहे हैं ना, उनको तो पता चल गया, मैंने डिटेल में बता दी है। जिनको आप वैसे जबानी बताएंगे उनको फिर वो कख पता नहीं लगता, वो कहते हैं जी सर जी ये क्या है क्या। तो आप लोगों को वीडियो भेजें, ये वाली ऐसी वीडियो है जो जिसका समझ लें कि बहुत आपको जो है ना इसका, ये मैं नेकी तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कि इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो आप सब रिटायर्ड मुलाजमीन को भेजें। ठीक है, ओके जी, खुदा हाफिज़।